कैंट थाने की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल व लूट के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कारमल रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुरेंद्र गौड़ पुत्र रामजीत गौड़ निवासी अश्विनीपुरम कॉलोनी थाना देवकाली जनपद अयोध्या के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का एक मोटरसाइकिल व लूट का मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 25 अगस्त को बालवेंद्र यादव पुत्र जीतन यादव निवासी गहना पोस्ट झुड़िया थाना खजनी जनपद गोरखपुर के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी मोटरसाइकिल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ATM मुंशी प्रेमचंद्र पार्क से चोरी हो गई है, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अयोध्या का रहने वाला है, वहां पर उसने कई अपराध किए हैं, अब वह अयोध्या में काफी बदनाम हो गया है, जिसके कारण वहां अपराध करना मुश्किल हो गया, जिसको देखते हुए गोरखपुर में फुटपाथ पर रहकर अपराध करने की फिराक में रहता था, उसने ही दोनों घटनाओं को किया था और अब गोरखपुर से गोपालगंज बिहार जाकर अपराध करने की फिराक में था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त बहुत शातिर अपराधी है, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, बेदीहाता चौकी प्रभारी अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल शिवम तिवारी, शिवानंद कुमार, विनय वर्मा सहित अन्य लोग शामिल रहे।